नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले की स्वास्थ्य सुविधा को एक बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है। इस उपलब्धि के बाद कई मरीजों की जान बचेगी। मेडिकल कॉलेज के अधीन एक इमरजेंसी मेडिसिन विभाग बनाया जाना है, जिसको लेकर शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। शासन के आदेश पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि शासन ने इमरजेंसी मेडिसिन यूनिट बनाए जाने के आदेश दिए हैं। यह अस्पताल की एक ऐसी यूनिट होगी जहां इमरजेंसी केसों को रखा जाएगा और सभी सुविधाएं इसी यूनिट पर दी जाएंगी। इतना ही नहीं, हर तरह के विशेषज्ञ व स्टाफ के पदस्थापना भी इस यूनिट में की जाएगी, जिससे मरीज को हर सुविधा इमरजेंसी में एक ही यूनिट में मिल सके। अभी इमरजेंसी केस होने पर उसे आकस्मिक चिकित्सा विभाग में ले जाया जाता है, जहां उसे कुछ ही सुविधाएं मिल पाती हैं। केस बढ़ने पर उसे संबंधित विभाग में रेफर किया जाता है। परिजनों को जानकारी न होने पर काफी देर तक भटकते रहते हैं और विभाग में पहुंचने के बाद भी काफी समय तक उपचार नहीं मिल पाता, जिससे कई बार मरीजों की जान पर आफत बन जाती है। कई बार विशेषज्ञ भी नहीं मिल पाते हैं। इमरजेंसी मेडिसिन विभाग के लिए रीवा में भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यहां अलग से डॉक्टर व अन्य स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। विज्ञापन जारी करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जगह भी कमेटी तय करेगी। बताया गया है कि इसके लिए डॉक्टर विष्णु पटेल को इंचार्ज बनाया गया है। एक इमरजेंसी मेडिकल बनाया जा रहा है, जिसमें गरीब का इलाज किया जाए, क्या है? देखिए, नेशनल मेडिकल काउंसिल के जो गाइडलाइंस होती हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस को गवर्न करती हैं, उन्होंने एक प्रावधान किया है, तो क्यूरिकुलम में शामिल किया है इमरजेंसी मेडिसिन को एक विभाग के रूप में चिन्हित करके। तो ये विभाग जो है वो सभी मेडिकल कॉलेजों में स्थापित होना है और इसके तहत सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस में एक इमरजेंसी मेडिसिन विभाग को 2022 में चालू किया जाना प्रस्तावित है। तो हमारे यहाँ भी इस संबंध में जो निर्देश आए हैं, उस पर कार्रवाई में अमल चालू हो गया है। डॉक्टर विष्णु पटेल को इसका अभी प्रभारी नोडल बनाया गया है, जो ये कार्य देख रहे हैं कि इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट को किस तरह चालू किया जाए, और इसमें अलग अलग विशेषज्ञों को अभी सम्मिलित किया जा रहा है। बाद में इसमें इमरजेंसी मेडिसिन के ही एक्सपर्ट्स जो विशेषज्ञ होंगे, वही पूरे स्टाफ में ऊपर से नीचे तक शामिल होंगे। यहाँ तक कि इसमें स्नातकोत्तर अध्ययन भी प्रारंभ होगा, उसमें पीजी स्टूडेंट्स भी हमारे पास इमरजेंसी मेडिसिन के होंगे। तो इस विभाग के लिए स्थल चयन करने की और विभागों को से जो विशेषज्ञ हैं उनको रिक्रूट करने के लिए कार्यवाही प्रचलन में है। इससे आम लोग क्या लाभ कैसे मिलते? फ़ायदा ये होगा कि इमरजेंसी मेडिसिन में कई तरह के विशेषज्ञ, मतलब कई तरह की बीमारियों के जो इमरजेंसी होती है, जो अचानक तकलीफ़ में आते हैं, तो वो सारे के सारे लोग जो है इस विभाग के अंतर्गत सबसे प्रथम इलाज पाएंगे। तो एक्सपर्ट्स होंगे तो तत्काल इलाज मिलेगा, तात्कालिक मिलेगा, सीधा का सीधा ये कैजुअलिटी जो इसको हम कहते हैं ना, रन करती है, वो इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट रन करने लगेगा। फिर अभी तक अपने मध्य प्रदेश में सुविधा कहाँ शुरू हो रही है? सारे मेडिकल कॉलेजों में एक साथ अभी इसी साल से।